हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक दे फजल करम ते रहमत नासी, सारे बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। ए कपड़े ने जो मैं कल वॉश किए सी ते अज प्रेस करने ने, ते सुबह दा नाश्ता कर लिया सी। तकरीबन हूँ 11 दा टाइम हो रहा, तो मैं अज व्लॉग बड़ा देर ना स्टार्ट किया। मेरी अपनी तबीयत कल दी बहुत ज़्यादा ख़राब सी, इसलिए व्लॉग अज देर ना स्टार्ट किया। तो बाकी सारा समान बस इतने रखे, इन्होंने अपनी जगह पर रखा थोड़ी देर बाद। बाकी सारे सफाइया शफाइया मुकम्मल ने। देखो ए वाले अस्तर भी नवे बनाने ने, देखो फट गए। तुम एक जगह होर दिखाऊंगा, देखो कपड़ा रखा है। तो हूँ ए वाला जड़ा इनू उतार के वॉश कर लेने, वाइट कलर का है। तो गाँव के बच्चे ना वाइट कलर वाले तकिए वगैरह ज़्यादा देर चलते नहीं। किचन वाले तुम लैके जाने, नाश्ता सारे ने सुबह कर लिया सी। दुध भी अज गर्म कर लिया, जिमें कि तुम्हें पता एक दिन छड़की एक दिन असं दुध लें। तो यह वेखो किचन भी साफ सुथरा हो गया, अगर चारपाई खड़ी की थी क्योंकि वा कवे बड़ा तंग करते हैं। पुराना वाला किचन कोने की छां बड़ी खूबसूरत, अगर असं लकड़ियाँ जलाते होते तो उत्थे जला लेंगे असं इन्हें चुल्हे ना, रोटी शोटी बनाते या कुछ भी करते इतने। तो हमें बस झाड़ू शाड़ू वाइपर वगैरह इतने पे ने, बाकी सारी सफाई हो चुकी है। मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म है, हवा बिल्कुल साइलेंट है। अगर मैं तुम दिखावा तो ये देखो पत्ता भी नहीं हिल रहा, जिस तरह मसाल बने ना कि रब की रहमत तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये देखो जी सफाइया सारिया कंप्लीट आ, सोलर लगा रखे। तो अगर दिन भर जो भी करांगे तो शेयर करांगे। उम्मीद करने तुम भी सारे खैर खैर देना। अगर तुम्हें मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो तो सब्सक्राइब करो। अगर दिन भर जो भी करांगे तो शेयर करांगे। फिलहाल तो अज तक उतार के धोन लगियां, तो एक सूट कपड़े वाला वह वॉश कर लगी हाँ। कल सारे कपड़े वॉश हो गए सन, तो एक सूट रात लेट उतारिया से अब्बे ने, तो वह हूँ वॉश कर लगी। तो यह वाला तकी का अस्तर भी, तो लाइट भी चली गई मैं लगता दिखाने तुम। ये देखो लाइट भी चली गई, मैं जैसे कपड़े प्रेस करने का नाम लिया तो लाइट भी चली गई। देखिए अगर टाइम हैगा, हाँ नहीं टाइम तो बाद कही है क्योंकि 11:30 जाती है, अज हजे 11 ही बजी है। वाला अस्तर उतार के धोने तो फिर मिलते हैं तारे ना। कपड़े वगैरह मैं वॉश कर ले, एको ही सूट से बस हाथे वॉश कर लिया। देखो नाल एक तकिया एक साफी है चुल्हे की, तो हूँ कोई थोड़ी बहुत हवा हिलन लगी है। पत्थर अगर तुम नज़र आ रहा होगा तो देखो कपड़े तो भी लग रहा है कि हल्की हल्की हवा चल रही है, बेरी भी हिल रही हल्की हल्की। तो इंदा मैं तकिए अस्तर थोड़ा देखो ए वाला इंदा जाके अस्तर बनाने, तो बाकी सारा कुछ साफ हो गया जिमें कि तुम दिखाया। लाइट देखते हैं आई है कि नहीं, लाइट आ गई। कपड़े भी प्रेस करने हैं, ए वाले कपड़े प्रेस करने हैं। तो इतों की थोड़ी जी सफाई करिए, देखो इतने नवा अखबार बिछाया, तो यह सारे चीज़ें इतने रखिया। रूह अफजा जरा मैं कल वाले ब्लॉग चुपया सी, तो बाकी सारा समान सैट करके रखे। तो ये जी डिजाइन धागा गोटियां छोटियां तो सारा कुछ रखे, इन भी इतने रखते हैं। तो आई डैक्स भी सामने कर दें, चोटा वगैरह बस अच्छी होंगी है। तो इस चार पाइन भी थले डाल दें, इन्ने जोर भी छाई है जी। ए वाले कपड़े प्रेस करने हैं, तो नाले यह कपड़े तो मैं सोच रही हूँ तकिया बना ही लवान, क्योंकि किन्ने भी लागों तो मैं कह रही हूँ कि तकिया बनाना तकिया बनाने, अज मैं सोच रही सिलाई कर ही लवान। मैं सोचा मैं फाइनली इन्हें तकिया बना दे, ए वाली चादर के नालों मैं ए वाले तकिए का देखो उपर करके तुम थोड़ा पिछे करके दिखानी हाँ। कि देखो ए तकिए का मैं कवर उतार लिया, इस नाप का मैं एक्सट्रा रखे कि जोड़ा असं इस तरह अंदर न मोड़ा। ये देखो ए देखो ए वाला कपड़ा इतना असं अंदर रखना, इसलिए मैं इजाफी रखे स्टिच करके फिर तुम दिखावे कि असं किस तरह तकिया सिलाई करना है। ए वाला तकिया बनाया एक एक बनाया हजे, फिर इस वाले दे नाप करके अंदर बनावे। तकिया की कटिंग मैं कर ली है, वेखो जिस तरह मैं तुम पहले दिखाई है कटिंग, तो हम मैं गोटी मैच कर रही हूँ कि इन्होंने दोनों चो कहीं रखा। अच्छा
लाल भी सूट कर रही है ते ए वाली भी। मैं सोच रही हाँ कि ए वाली लगा लेने, इस दे नाल दी रेड नू रहन देने, एने ना जदों ऐसे ही रहेगी। अच्छा इन्हें ना कलर वीडियो च इस तरह आ रहा है इस गोटी का कलर, लेकिन ये इन्हें बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है वीडियो च, पता नहीं क्यों इस तरह बुरा जा आ रहा है। चलो फिर तकिए सिलाई कर दें, एक तकिया सिलाई करके फिर तुम दिखाने। वेखो जी तकिया मैं सिलाई करके तो तकिए के उपर भी कवर कर दी, तो देखो कितना प्यारा सिलाई होया है। ये अगे मैं टसल लाया कि ताकि इन बंद कर दी, वैसे तो इन अगे ए वाला कपड़ा भी सी, देखो ए वाला कपड़ा सी ताकि तकिए का अंदर वाला कवर नज़र ना आवे, लेकिन तकिया बहुत ही प्यारा बन गया। हूँ दूसरा तकिया सिलाई कर दें फिर ते शेयर करा तकरीबन इनू अद्धा घंटा लग्या, अद्धे घंटे के अंदर अंदर मैं तमाशा शो देखे, अद्धा घंटा तो नहीं फिर ज़्यादा लग्या, क्योंकि तमाशा शो एक घंटा तो 15 मिनट का सी, वो मैं देखे पहले मैंने कटिंग की फिर स्टिचिंग की, स्टिचिंग थोड़ा टाइम लगे, कटिंग ज़्यादा लग गया, ये परफेक्टली सिलाई हो गया। देखो प्यारा लग रहा है, देखो बिल्कुल वो मैच हो गई है गोटी ना बिल्कुल। यह वाला तकिया हो गया जी कंप्लीट, हूँ दूसरा तकिया सिलाई कर दें। ए वेखो जी दोनों तकिए बन के तैयार हो गए ने, ए वाला भी तैयार हो गया ते ए वाला भी तैयार हो गया, किन्ने सोहने लग रहे हैं। अच्छा ए वाला थोड़ा छोटा है, इन्हें तो बाजारू बाजार जो लेंदे हुए पीलो कवर होंगे ने वह भी आ जाते हैं, तो वह थोड़ा व्डा है। ए वाला ए तो बाजार वाले पीलो कवर नहीं आते, इस आ जाते हैं, इसलिए घर बनाए जाते हैं। इन्ने सोने लग रहे हैं ना, अगर जो भी करांगे तेरे नाल शेयर करांगे। हुण तो तकरीबन एक दा टाइम हो गया, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है दोपहर दे, अजे कपड़े भी इसी करना खड़े ने। उम्मीद करने तुहानू अज दा व्लॉग पसंद आएगा, इस दे नाल चैनल नू लाइक करो शेयर करो तो सबसक्राइब करो, मिलते हैं नवे व्लॉग नाल, उदों तक अल्लाह।